चटपाणी महाराज जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया पर। आपसे मैं एक बार भजन सुनना चाहूंगी चटपाणी महाराज जी। भजन सुनेंगे? देखिए ऐसा है, भजन भजन आपने कहा कि अब चलिए भजन आपको एक सुनाता हूँ। अब जब आप कही रहे हैं तो आप अच्छे भजन सुनेंगी यति जी की आप चौपाई सुनेंगी? भजन सुनना चाहेंगे। आपने कहा तो देखिए भगवान श्री राम के लिए एक भजन है जी। राम रे मन मूरख ऐसे कब तक जीवन व्यर्थ बिताएगा, राम नाम नहीं गाएगा फिर अंत समय पछताएगा। जिस जग में तू आया है यह एक मुसाफिर खाना है, सिर्फ रात भर रुक के यहाँ से सुबह सफर कर जाना है। राम के बिना, राम के बिना, राम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना, मोर का यूं बेकार नाचना है श्री राम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी श्री राम के बिना। पंखी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, पंखी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, द्वीप तेल बिन मित्र मेल बिन पानी मेल बिना, द्वीप तेल बिन मित्र मेल बिन पानी मेल बिना। भजन का भजन बिना नरवही से जैसे अश्व लगाम बिना, जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। वृक्ष डाल बिन डाल पात बिन पर्वत पेड़ बिना, वृक्ष डाल बिन डाल पात बिन पर्वत पेड़ बिना, प्रिया कांत बिन मठ महंत बिन हस्ती दंत बिना, व्यर्थ भ्रमण छदि दंतन भाषण अच्छे काम बिना, जल जाए जिह्वा पापनी श्री राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना श्री राम के बिना। वाह चक्रपाणी महाराज जी, मतलब दिल तो बहुत खुश हो गया आपका ये भजन सुनकर। अब थोड़ा सा उसका अर्थ भी समझा दीजिए। देखिए अब अर्थ आप अभी एक चैनल वाले बैठे उनको वो करने के लिए आप बीच में रोक करके, चूंकि विशाल जी का फोन आया आपका तो इसलिए मैं वो कर दिया। देखिए अर्थ यही है कुल मिला करके कि यह जो जिस जग में हम आए हैं, जो लोग दुनिया में भौतिकता में लोग भूल जा रहे हैं और दुनिया की चकाचौंध में, तो यही है कि आप भगवान का नाम भी ले लो, राम जी का नाम ले लो, क्योंकि जिस जग में तू आया एक मुसाफिर रहा है और सिर्फ रात भर रुकना, सुबह को चले जाना यहाँ से। तो फिर भक्त जो है वो कर रहा है कि अगर भगवान के बिना जो जिस जीवा से राम का नाम न हो उसे अच्छा भक्त कह रहा है कि मेरी जीवा तो जल जाए, क्योंकि जैसे क्षत्रिय में आन होता है, विप्र यानी ब्राह्मण में ज्ञान की आवश्यकता होती है और घर बिना संतान का अच्छा नहीं लगता, उसी तरह जीवा जो है बिना राम के ठीक नहीं है। जैसे देह में अगर प्राण न रहे तो उसकी कोई कीमत नहीं है, हाथ जो दान न करे, भोजन सम्मान से किसी को न दिया जाए, और मोर भी नाचता है अगर राम की भक्ति में नाचता तो वही अच्छा है।
इसलिए अगर जो नहीं है तो बेकार है। और जैसे पंछी को पंख नहीं हो तो वो उड़ नहीं सकता, बिंछू को डंक अगर न हो तो उसकी महत्व नहीं होता, आरती में अगर पंख न बजे तो उसका कोई महत्व नहीं होता, दीप अगर जो दीप में तेल न डाला जाए तो दीप नहीं जलेगा, और मित्र में अगर प्रेम आपसी न रहे तो उसका कोई महत्व न हो, पानी में भी अगर जो प्यार उसे न दिया जाए तो कोई मतलब नहीं। भजन तो इसी तरह से भजन के बिना जो है, बिना लगाम का घोड़ा होता है, अश्व लगाम बिना, तो बिना लगाम का घोड़ा होता है, तो इसलिए ऐसे जीवा को जल जाना चाहिए। फिर आगे भक्त कह रहा है कि वृक्ष डाल भी नहीं, यानी वृक्ष हो लेकिन उसमें उसमें डाल ही ना हो, और डाल तो हो लेकिन उसमें पत्ते ना हो, पर्वत तो हो लेकिन उसमें पेड़ ना हो, तो इसलिए मठ तो हो लेकिन उसमें महंत ना हो, कोई पीठाधीश्वर ना हो, और हाथी तो हो उसमें दांत ना हो, तो इसलिए भक्त कह रहा है कि व्यर्थ भ्रमण यानी सिर्फ फालतू का घूमता रहे बिना उद्देश्य का, और क्षति दंतन बाढ़ झूठे झूठ बोलता रहे और अच्छा काम जीवन में ना करे, तो इस उसी प्रकार से जीवन जैसे निष्फल है, उसी प्रकार से जीवा जो है जब राम का नाम न ले तो जीवा बेकार है, इससे अच्छा भक्त कह रहा है कि जीवन तो जल जाए, इसलिए भगवान राम का नाम ले ताकि इस भव सागर से हम पार कर सके और हमारी मोक्ष और मूर्ति और भगवान श्री राम की चरणों में स्थान मिल सके, यही भक्त। बिल्कुल चकबाणी जी महाराज, आपने जो बताया बेहद खास है, और अब आपने एक भजन सुनाया तो आप एक चौपाई भी हो जाए चकबाणी जी महाराज। चौपाई देखिए ऐसा है, मैं तो सबको अब जो जितने भी लोग हैं आज मैं तो प्रणाम करता हूँ कि जगत में जितने भी सबके अंदर परमात्मा, देखो हम लोग जब एक दूसरे को कहते हैं राम राम, तो राम राम कहने का मतलब उससे कई है, एक तो 108 जुड़ जाता है और पूरे ब्रह्मांड उसमें समाहित हो जाता, दूसरी मेरे में भी राम और आप में भी राम, यानी सब में राम है, तो इसलिए मैं वो करता हूँ कि जैसे अभी वर्तमान में जो चीजें चल रही है, कुछ पॉजिटिव आ रही है कुछ निगेटिव आ रही है, और अनेक लोग जो है आज वर्तमान में कोरोना से पूरी थोड़ी सी नकारात्मकता भी आए, अमंगल की स्थिति जिस प्रकार से पूरे विश्व में बनी है कोरोना से, तो उसी पे भगवान कहो करते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, मतलब कि अमंगलों को हरने वाला जिसको माँ पार्वती शिव जी सब वो करता है, और आज उसकी भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इसलिए सबको हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी, सबके अंदर बैठे हुए सीता राम को हम प्रणाम करते हैं, सब दंडवत करते हैं, आपको भी यसी जी विशाल जी को भी, और सबको हम प्रणाम करते हैं, सभी आपके व्यूअर्स को प्रणाम करते हैं जो चैनल देख रहे हैं, सबको हमारी तरफ से राम राम जी। चकपाणी जी महाराज बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज में जुड़ने के लिए आपका।